भारत माता की इनकलाब जिंदाबाद इनकलाब जिंदाबाद संघर्ष करो संघर्ष करो हम तुम्हारे साथ हैं। और सबसे पहले यहाँ जितने भी छात्र आए हैं माता बहने आई है और उनके पेरेंट्स आए हैं उन सभी का मैं नमन करता हूँ कि इतनी दूर, क्योंकि जब छात्र पीड़ित होता है ना तो उसको दुख बहुत होता है। और कई मैं एक बात कहना चाहता हूँ, अगर आज हमें दुख है ना, आज आप कुछ लोगों को लग रहा है कि हमें दुख है और 28, 29 और 31 को बहुतों को लगेगा कि उनको भी दुख है, तो सभी को सपोर्ट करना है। देखो घर से लड़कियां नहीं आ सकती, आप भी मानते हो, मैं भी मानता हूं, उनके पेरेंट्स अलाउ नहीं करते हैं, तो हमें ये नहीं मानना है कि लड़कियां नहीं आई है। लड़कियां जितनी भी आई है ना तो हम ये मानेंगे कि सारी की सारी लड़कियां यहाँ पर मौजूद है और इस कमेटी में इसीलिए लड़कियों को रखा गया है। और हमारा मुद्दा ये भी है कि फीमेल कॉन्स्टेबल में जो नॉर्मलाइजेशन हुआ था वो किस बेस पर हुआ था। 65 नंबर वाली लड़की है ना वो नहीं लगी और 55 वाली लग गई, ऐसा ही हुआ है ना, तो वो क्यों हुआ? लड़कियों की भी मांगे रखी गई है सबसे पहले, इसलिए लड़कियों को भी कमेटी में शामिल किया गया है। और प्यारे बच्चों आपसे एक भी बात कहना चाहता हूँ कि जब तक हम सभी बंटते रहेंगे ना तो कुछ होने वाला नहीं है। अब जितने भी बच्चे आए हैं ना वो कहेंगे कि और क्यों नहीं आए, ये मान के चलो हम सब एक हैं और जब तक एक नहीं होंगे ना तो बदलाव कभी नहीं आएगा। और फूट के कारण हम 1857 की क्रांति हार गए थे, आज मैं आपसे यही आह्वान करता हूँ कि इस आंदोलन में फूट नहीं पड़नी चाहिए और ये आंदोलन बच्चों का आंदोलन है, इसीलिए कमेटी में जितने भी निर्धारित किए गए थे वो सारे के सारे बच्चे हैं, जो भी मिलेंगे ना वो बच्चे ही मिलेंगे। यूट्यूबर आपके साथ है, ये नहीं कहना कि कोई यूट्यूबर नहीं आया, हो सकता है किसी की कोई मजबूरी हो, ठीक है, हो सकता है सारे बच्चे भी तो नहीं आ पाते ना, तो किसी को गाली गलौज नहीं करनी है क्योंकि ये संस्कार नहीं है। जिन मुद्दों के लिए आए हैं एक शिफ्ट में एक एग्जाम होना चाहिए, ठीक है, जैसे रीड जैसा 26 लाख की भर्ती अगर एक शिफ्ट में हो सकती है तो हरियाणा पुलिस का एग्जाम क्यों एक शिफ्ट में नहीं हो सकता, ठीक है। अगर एचएसएससी मानती है कि एक शिफ्ट में एक एग्जाम पॉसिबल नहीं है तो उनको कह देंगे दो शिफ्ट में ले लो, तीन शिफ्ट में भी तो एग्जाम हो सकती है, लेकिन होने चाहिए एक दिन में, होने चाहिए। तीन शिफ्ट में कोई दिक्कत तो नहीं है ना किसी को, अगर एक दिन में एग्जाम है कोई दिक्कत तो नहीं है ना किसी को, और एग्जाम का पैटर्न और सिलेबस फिक्स होना चाहिए। सभी एग्री हो या नहीं हो? और बच्चों जो आज अगर मैं कह दूं ना कि नॉर्मलाइजेशन गलत हुआ है, आज अगर कोई भी कह दे ना, और अगर प्यारे बच्चों मेल कॉन्स्टेबल का एग्जाम 5 या 6 शिफ्ट में हुआ और किसी शिफ्ट का एग्जाम मुश्किल आ गया ना तो वही कहेंगे कि अब नॉर्मलाइजेशन होना चाहिए। तो नॉर्मलाइजेशन मैं गलत नहीं मानूंगा, नॉर्मलाइजेशन के क्राइटेरिया है ना वो पहले बच्चों को सामने आकर समझाया चाहिए कि ये नॉर्मलाइजेशन का फार्मूला रहेगा, ये इस बात से एग्री हो या नहीं हो? और सभी एग्री होंगे ना तो फायदा, अगर आपको दिक्कत है ना अभी कमेटी से हम डिस्कस कर लेंगे कि ये चीजें होनी चाहिए, बाद में ये नहीं होना चाहिए कि ये जो बच्चे जो नेतृत्व कर रहे हैं सभी बच्चे हैं, ये आपकी आवाज बनने की कोशिश करेंगे, आप इन बच्चों से सवाल जवाब कर सकते हो, आप ये मान सकते हो ये एचएसएससी के चेयरमैन है, अंदर जाएंगे तो हम इनसे ये सवाल पूछेंगे। और अभी है ना, बाद में ये नहीं होना चाहिए कि कमेटी में मुझे शामिल नहीं किया गया, वो वहां से फूट पड़नी शुरू हो सकती है। तो जो मेल एसआई का एग्जाम हुआ था 2 शिफ्ट में होने का कारण क्या था? सबसे ज्यादा युवा पीड़ित है या नहीं है? तो हमारी सारी की सारी मांगे है ना एक है, अगर जब भी रिजल्ट आता है ना तो रिवाइज्ड आंसर की है ना, अभी जैसे एसआई में एक 20 सेट में ये प्रॉब्लम आई थी, 5 से 6 क्वेश्चन गलत बताए गए थे कि नहीं थे, और बाद में ये नहीं बताया गया कि एचएसएससी ने उनको सही माना है या नहीं माना है। अगर नॉर्मलाइजेशन होता है तो राम मार्क्स हमें बताने चाहिए, ठीक है, सभी मुद्दे कल भी डिस्कस हुए थे, आज भी डिस्कस हुए हैं, और अगर हम सभी एक साथ रहेंगे ना तो हमारी मांगे जरूर मानी जाएगी। और मैं आपसे यही कहूंगा कि जो भी चीजें है ना शांतिपूर्वक करेंगे, और मैं नहीं चाहता कि किसी भी कारणवश किसी स्टूडेंट का फ्यूचर खराब हो जाए, मिलकर संघर्ष करेंगे और जीत हमारी होगी।
और जो भी टीचर यहाँ पर बोलना चाहते हैं वो बोल कर बच्चों को प्रेरित कर सकते हैं, क्योंकि आप बच्चों के लिए सभी टीचर एक साथ है। ये मत मानना कि कोई नहीं आया, मैं कहता हूँ सभी के सभी आए हुए हैं, और हम सब मिलकर संघर्ष करेंगे ना तो हमारी जीत जरूर होगी। सिलेबस होना चाहिए, पैटर्न होना चाहिए, नॉर्मलाइजेशन के पैमाने होने चाहिए, एक शिफ्ट में एक एग्जाम होना चाहिए, और ना हो तो नॉर्मलाइजेशन उसमें लागू हो तो पहले वो फार्मूला सभी बच्चों के सामने आना चाहिए, यही मांगे है ना। और आज अभी 5 बच्चों की जो कमेटी बनाई गई है उनसे आप डिस्कस कर सकते हो, बाद में ये ना बने कि ये कोई नेता है, कोई यहाँ पर नेता नहीं है। आज यूट्यूबर आपके साथ है और यूट्यूबर को कोई नहीं जानता, सिंपल सी बात है। 4 बच्चे जानते हैं कि यहाँ पर प्रदीप सर है, और अंदर HSSC का चेयरमैन प्रदीप सर को नहीं जानता। अगर आप पीड़ित हो ना तो आप मांग रखोगे तो उनको लगेगा कि मांग है ना वो बच्चों की मांग है, अदरवाइज लगेगा कि यूट्यूबरों की मांग है। तो ये डिसीजन बच्चों वाला सही था या नहीं था? बिल्कुल सही है। तो इनकलाब, इनकलाब, भारत माता की, भारत माता की आवाज दो, आवाज दो। धन्यवाद दोस्तों, भारत माता की जय। एक बार हमें सारे के सारे ये सर इधर आ जाएं और एक फोटो खींचना है जो मीडिया को, मतलब कि चैनल्स को एक बार उनकी कई बार कॉल साली है। पोस्टर वाले भाई जो साइड में इस साइड खड़े हो जाओ भाई, एक बार घर पर खड़े हो जाओ, जो अपने मीडिया में फोटो देना है वो बहुत जरूरी है, समझ गए ना भाई। पोस्टर वाले भाई आप इस साइड आ जाइए, आप भी आ जाइए, हाँ टीचर को भी आगे, सबको आगे करेंगे भाई, एक बार घुमा दे। कैमरा पकड़ लो भाई, पीछे आई और कमेटी ने लिख भी ली है, और मैं तो यह बात चेयरमैन साहब से पूछ दी होगी तो मैं इसके बाद कहूंगा। हम कोई गलत किसी भी तरीके का यूज नहीं करेंगे, हमारे साथ अन्याय नहीं हुआ है तो गिरफ्तारी देने के लिए भी तैयार है, चाहे जेल भर लो चाहे पंचकूला भर लो, और ये मत सोचना कि सिर्फ ये बच्चे हैं। एक बार आवाज लगाएंगे सारे के सारे युवा देख रहे हैं कि भी हम युवाओं की सुन लो, हम बहुत परेशान हैं, हमारा परिवार बहुत परेशान है, हमारा जो कैरियर है वो अंधकार में है। क्यों अंधकार में है कि पेपर पैटर्न के कारण ना हम SSC की तैयारी कर पा रहे हैं, ना हम बैंकिंग की तैयारी कर पा रहे हैं, ना हम रेलवे की तैयारी कर पा रहे हो। शिफ्ट हमारा चेंज हो गया, कितने हजारों बच्चों का जो SSC की बहुत अच्छी तैयारी कर सकते थे, रेलवे में लग सकते थे, सिर्फ इस लालच के कारण कि अपने हरियाणा राज्य के लिए सेवाएं देंगे, अपने हरियाणा राज्य के लिए काम करेंगे, यहाँ पर भाई पुलिस में भर्ती होंगे, बाकी पदों पर भर्ती होंगे तो उसे और कोई गलत शब्द निकल गया हो तो भाई माफी चाहेंगे।